ए से हमारे पास एक चैप्टर बचा है, ये है इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग करंट इश्यूज डिस्कस करेंगे, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं कि नहीं इन इश्यूज को ठीक करने के लिए। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल बी से स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल बी जो कि ये वाला मॉड्यूल है, इसमें चैप्टर्स कम है बट ये इकोनॉमिक थ्योरी है, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो पहला जो इंडिया, आज हम लोग कहते हैं ना इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट स्टिल देर आर वेरियस प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। हेल्थ क्राइसिस है ऑल्सो मोर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दैट हैज अकर्ड, हेल्थ क्राइसिस ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। तो इसकी वजह से जो फिस्कल एज वेल एज मॉनिटरी स्ट्रक्चर है इंडिया का, ये काफी चेंज हुआ है इन द पास्ट फ्यू ईयर। पहले जो इशू हम लोग बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू पावर्टी। पावर्टी का पहले जब पढ़ा जाता था तो उससे रिलेटेड होता था कि बिलो पावर्टी लाइन कितने लोग हैं, या फिर बिलो पावर्टी लाइन के लिए क्या क्या एस्टिमेट्स हैं, कौन कौन सी कमिटीज आई थी, बट दोज कमिटीज हैव गॉन ओल्ड नाउ। नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दोज कमिटीज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रीसेंट सिनेरियो। तो 2011-12 के एस्टिमेट्स, क्योंकि सेंसस उसी टाइम पे आया था, उसके बाद सेंसस नहीं आया था, तो 25.7% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 13.7% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर बिलो द पावर्टी लाइन। अब पावर्टी लाइन का डिस्क्रिप्शन कितना चल रहा है, कितना रुपीज पर डे अगर इंसान अर्न कर रहा है तो दे आर अबव द पावर्टी लाइन, ये सारी चीजें हैं, बट वो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इशूज फेसिंग पढ़ रहे हैं। रूरल पावर्टी रेट्स आर हायर देन अर्बन पावर्टी रेट्स, दिस इज अ फैक्ट। रूरल एरियाज में अर्बन पावर्टी ज्यादा है, वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट फूड सप्लाई एंड अ वीक लेबर मार्केट, दीज आर दी प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज इन इंडिया, बिकॉज ऑफ विच पावर्टी इज हायर एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। आफ्टर दैट पावर्टी इराडिकेशन इज वन ऑफ अ मेजर चैलेंज ऑफ द प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ कमिंग टू द रीसेंट टाइम, सो नीति आयोग पब्लिश करता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, तो ये याद रखना, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग पब्लिश करता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया पॉपुलेशन लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वॉज 14.96%, ये रिसेंट डेटा है, 2022-23 के आसपास का डेटा है। एंड तो जो इंडिया के पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन, इट इज 14.96%, एंड रूरल एरियाज एक्सपीरियंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑफ 19.28%। राइट, अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, देन देयर इज रिलेटिव पॉवर्टी, फिर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट इनकम अबव और बिलो दैट इनकम पॉवर्टी इज देयर, रिलेटिव इज एज कम्पेयर टू अदर पीपल, बाकी लोगों से कितनी ज्यादा गरीबी है। देन देयर इज मल्टी डायमेंशनल, ये केवल इनकम के हिसाब से नहीं देखती, बाकी चीजों के हिसाब से भी देखती है, इलिटरेसी हो गया, लिविंग कंडीशन हो गया, हेल्थ कंडीशन हो गया। तो दिस इज द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो कि नीति आयोग पब्लिश करता है, उसके अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में 19.28 एंड इंडिया में 14.96% पावर्टी है आज भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इशू इज राइजिंग इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ इनकम, इनकम इनइक्वालिटी। इंडिया इज द फास्टेस्ट इकोनॉमीज, ग्रोइंग फास्टेस्ट इकोनॉमीज, बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल इकोनॉमीज। यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो रिचेस्ट 1% है दे होल्ड द मैक्सिमम इनकम, जो रिचेस्ट 1% है इंडिया में पॉपुलेशन में दे होल्ड द मैक्सिमम इनकम ऑफ इंडिया, और जो लोएस्ट है, जो सबसे कम इनकम होल्ड करते हैं जो पॉवर्टी लाइन में, वो लोग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में है, तो इनकम सबसे ज्यादा रिचेस्ट 1% में है। तो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो इनइक्वालिटी है, इट इज इंक्रीजिंग। वी वुड हैव एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स इनइक्वालिटी वुड रिड्यूस, बट ओवर द फ्यू डेकेड्स इनइक्वालिटी हैज बीन इंक्रीजिंग। सो डेफिनेटली देयर इज अ राइज इन जीडीपी, बट विद राइज इन जीडीपी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हैज बिकम मोर अनइक्वल, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट जीडीपी। सो जीडीपी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर, व्हाई? बिकॉज जीडीपी के इंक्रीज होने के साथ साथ वेलफेयर भी बढ़ेगा, ये गारंटी नहीं होती है। हो सकता है जो नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स मोर रिचर क्लास रादर देन द पुअर क्लास ऑफ द नेशन,
आफ्टर दैट द इनकम दैट इज बीन जनरेटेड इट इज बिकॉज ऑफ मोर कैपिटल गुड्स एंड नॉट मोर कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स ज्यादा कौन कंज्यूम करते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं उनको ज्यादा हेल्प करते हैं. सब्सिडीज नहीं हो रही कैपिटल गुड्स और इवन इलीगल गुड्स लाइक ड्रग्स एंड एल्कोहल. तो GDP इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर. सो GDP हैज बीन इंक्रीजिंग बट विद दैट इनकम इनइक्वालिटी इज ऑल्सो राइजिंग. सो नाउ द एफ्लुएंट क्लास हैज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वेल्थ जनरेटेड बाय द कैपिटलिज्म एंड इनहेरिटेड. रिसेंट डेटा पे आते हैं तो पैंडेमिक स्टार्टेड नवंबर 2022. आफ्टर दैट जो डेटा है उसके हिसाब से 121% जो बिलियनियर्स है इंडिया में, जो हाईएस्ट क्लास है, दे हैव सीन अ इंक्रीज इन देयर इनकम बाय 121% और ₹3,608 करोड़ पर डे इन रियल. दैट इज जो बिलियनर है, हाईएस्ट 1% जो है, दे हैव एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन देयर इनकम इवन आफ्टर द पैंडेमिक. ऑन द अदर हैंड 64% ऑफ द टोटल 14.83 लाख करोड़ इन GST केम फ्रॉम द बॉटम 50%. उसके बावजूद इवन इंक्रीज जब ज्यादा हुआ है बिलियनर्स की इनकम में, फिर भी जो GST आए, जो टैक्सेस आए, ये बॉटम 50% पॉपुलेशन ने ही दिया है. एंड ओनली 3% ऑफ द GST केम फ्रॉम द टॉप 10%. तो आप देखो इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है. इनकम किसकी राइज हो रही है? हायर इनकम की, जो हायर इनकम ग्रुप है, बट टैक्सेस कौन पे कर रहा है? जो लोअर इनकम ग्रुप में आता है, जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है, वो लोग ज्यादा GST पे कर रहे हैं. मोर देन 64% GST जो भी आ रहा है यहाँ से आ रहा है. और जो 10% है हाईएस्ट इनकम वाले, उनमें से केवल 3% GST आ रहा है. एंड द नंबर ऑफ बिलियनियर्स इंक्रीज फ्रॉम 102 इन 2020 टू 166 इन 2022. ठीक है, तो आप ये अगर डेटा नहीं याद रख रहे हो, फैक्ट्स याद रख. द रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअर. एक डर है जो हर इकोनॉमी को होता है, डेवलपिंग इकोनॉमी को, इंडिया में ये डर सच हो रहा है. रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर. अगेन द रिच इज 1% इन इंडिया ओन मोर देन 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ, वाइल द बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन टूगेदर जस्ट शेयर 3%. मतलब कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो इंडिया में है, इंडिया की वेल्थ का केवल 3% ओन करती है. एंड ओनली 1% जो रिचेस्ट क्लास है, दे ओन 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ. सो यू कैन सी हाउ मच इनइक्वालिटी इज राइजिंग इन इंडिया. इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के लिए हमारे लिए यही है, राइजिंग इनइक्वालिटी. ठीक है, तो इनइक्वालिटी इन इनकम. नेक्स्ट इशू, एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज. नाउ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इंडिया की रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर गेटिंग डिग्रेडेड डे बाई डे. तो एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, वॉट इज द रीजन? मेजर रीजन इज माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. मोस्टली जो माइग्रेशन हो रहा है, दिस इज हैपनिंग फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरिया, द रूरल पीपल टू द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ वेरियस एक्टिविटीज लाइक जॉब्स के लिए आते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, लिविंग कंडीशन. सो दीज आर सम ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच माइग्रेशन इज हैपनिंग. एंड माइग्रेशन इंक्लूड्स सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, हेल्थ एंड एजुकेशन. तो दीज आर द रीजन बिकॉज ऑफ विच माइग्रेशन कैन अकर. तो माइग्रेशन इन सारी रीजन की वजह से होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है. तो दिस इज माइग्रेशन. अब जब माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, रूरल से अर्बन एरिया में आ रहे हैं, तो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन राइज हो गई, बट उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज है नहीं, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं. तो देयर इज एन एक्सेसिव प्रेशर ऑन द लिमिटेड रिसोर्स. इसके पॉसिबल रेमिडीज क्या है? माइग्रेशन अगर ज्यादा होगा तो उससे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी. एक ही पॉसिबल रेमिडी है इसका कि रूरल एरियाज को और ज्यादा एफ्लुएंट बनाया जाए. सारी जो भी फैसिलिटीज है जिसकी वजह से वो लोग अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, वो सारी फैसिलिटीज रूरल एरियाज में दी जाए. अब क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस होने वाले हैं, ड्रॉट, सी लेवल राइज, फ्लडिंग, साइक्लोन. सो द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर टू प्रोटेक्ट द रूरल एरियाज बिकॉज दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी लाइक अ ड्रॉट और फ्लडिंग, इट वुड इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए. इफ द रूरल पीपल, इफ द पीपल लिविंग देयर वुड फील दैट दे आर सेफ इन देयर ओन रीजन, सो व्हाई वुड दे लीव देयर प्लेस, राइट?
ये एक रीजन है, ये एक सोल्यूशन है कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एंड देन वी हैव द पैंडमिक सिचुएशन। कोविड-19 ने हर एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया। हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, उसमें हम लोग देखा था कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट किया था। सर्विस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था। एग्रीकल्चर वॉज दी ओनली वन दैट वॉज सफिशियंट, जो बच गया था पैंडमिक के इम्पैक्ट से। तो कोविड-19 की वजह से इन्फेक्शन, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुए थे, इन्फ्लेशन हुआ था। तो पैंडेमिक सिचुएशन हम सबको पता है, हमने न्यूज में पढ़ा है, हमने देखा है क्या 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 इम्पैक्ट है उसके जो कि हुए हैं। मासिव अनएम्प्लॉयमेंट हैज अकर्ड, देन देयर इज अगेन माइग्रेशन हैज इंक्रीज एंड सो ऑन, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब। आफ्टर दैट द रशिया यूक्रेन वॉर, ये जब हो गया पैंडेमिक के बाद ही, उसके बाद हम लोग रिकवर भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए, हाई रिकॉर्ड हाई कमोडिटी प्राइसेस, वीकर ग्लोबल आउटलुक, हायर टाइटर ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस। तो उसकी वजह से भी ये सारी सिचुएशंस है जो कि इंक्रीज हुई, इनकम इनक्वालिटी इंक्रीज हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर एज वेल। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इस चैप्टर में इतना ही है, बस जो फैक्ट्स है वो याद रखना। अब हम लोग आ जाते हैं मॉड्यूल मैडम बी। हाँ जी मैम, राइजिंग इनक्वालिटी एक बार वापस से बताएंगी। राइजिंग इनइक्वालिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम इनइक्वालिटी, राइट? इनकम इनइक्वालिटी मीन्स द रिचर विल गेट मोर रिच, द रिच विल गेट मोर रिचर, द पुअर विल गेट मोर पुअर। तो ये हमको देखने को कहाँ से मिलता है? जब हम लोग डेटा देखते हैं, ये वाला डेटा अगर आप ये भी देख लोगे ना, रिचेस्ट 1% इन इंडिया दे ओन मोर देन 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल। अगर कंट्री की टोटल वेल्थ 100 है, तो उसमें से 40 तो वो ही लोग लेगा जो रिचर 1%। एंड देन जो बॉटम हाफ पॉपुलेशन है, जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन रह रही है, जो लोअर मिडिल क्लास में आ रही है या लोअर क्लास में आ रही है, दे आर ओनिंग जस्ट 3% ऑफ द वेल्थ। तो ये दिखा रहा है ना कि जो हायर क्लास है उन्हीं के पास ज्यादा इनकम। तो इवन इफ इनकम इज इंक्रीजिंग, इट इज गोइंग टूवर्ड्स ऑलरेडी एफ्लुएंट क्लास, जिनको जरूरत नहीं होती है। एंड इट इज ऑल्सो सेड कि अगर ये लोग अपना जीएसटी पे करते हैं, या फिर इनके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया जाए, टैक्स बढ़ा दिया जाता है, तो मोर देन 20% ऑफ द इनकम दैट इज लिविंग बीपीएल, दे वुड हैव इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस। बट ऐसा नहीं हो, दे आर नॉट गेटिंग टैक्स। हम लोग के टैक्स सिस्टम अभी भी उतना इक्वल नहीं हुआ, उतना भी प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ विच द इनकम इनइक्वालिटी इज राइजिंग। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद से किस तरीके से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है, 121% इंक्रीज हुआ है इनकम ऑफ द बिलियनियर्स। एंड उसी टाइम पे जो पुअर क्लासेस हैं, जो लोअर इनकम क्लासेस हैं, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, इवन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ले ऑफ्स हैव अकर्ड, बिकॉज ऑफ विच दे आर लूजिंग देयर इनकम। एंड जीएसटी कौन ज्यादा पे कर रहा है? जीएसटी इज बीइंग पेड बाय द लोअर इनकम क्लास मोर, दैट इज 14.83 लाख करोड़ जीएसटी किससे आया था? ये 50% लोअर, जो 50% पॉपुलेशन है उससे आया था। एंड हायर इनकम क्लास से केवल 3% आया था। फ्रॉम द अपर 10% इनकम ग्रुप दे ओनली पेड 3% ऑफ द टोटल जीएसटी दैट वाज कलेक्टेड इन इंडिया। चलिए, स्टैट्स इंपॉर्टेंट है क्या? स्टैट्स में वही, स्टैट्स अगर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद रखोगे, फैक्ट्स याद रखो, क्या क्या फैक्ट हो गए। जीएसटी कौन पे कर रहा है ज्यादा? पुअर क्लास। इनकम किसके पास ज्यादा है? रिच क्लास के पास, 1%, है ना? तो ये फैक्ट्स याद रखो कि क्यों हम लोग बता रहे हैं इनकम इनइक्वालिटी के स्टैट्स मैम, यही नहीं। सेम डिटेल्स जो ई बुक है वहां पे अवेलेबल नहीं है। ई बुक क्योंकि वो अपडेट नहीं हुई है ना, ये मैंने डेटा नया निकाल के दिया है। मैम यहाँ पे जो आप नोट्स मेरे को बोले चेक करने के लिए, वो तो अपडेटेड ही अच्छा नहीं है। ओके, तो वो फिर वही वाले होंगे जो बुक में है। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आपको ये डेटा नहीं याद रखना है, जो डेटा याद उसमें भी ये तो लिखा ही है ना कि जो इनकम इनक्वालिटी है वो है बुक में, ये तो लिखा ही है ना कि इनकम इनक्वालिटी इंडिया में काफी ज्यादा है। हाँ, इसलिए मैं बोला था मैम, आपके क्लास के नोट्स नहीं मिल रहे, इसलिए चाहिए थे। ठीक है, बैक एंड पे बोल रखता हूँ, उन लोग को बोलते हैं अपडेटेड नोट्स के लिए। अभी तक हुआ नहीं है मैम, वो तो रिवीजन के लिए भी दिक्कत हो रही है हमें तो, फिर क्योंकि अभी ठीक वहाँ पे पढ़ाते हो और जो नई बुक से देखते तो वो डिफरेंट हो जाता है। ओके, मैं फिर से बोल देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे तनवीर सर की थोड़ी तबीयत खराब चल गई, वो यही सब चीजें देखते हैं, मैं बोलती हूँ, फिर से बोलती हूँ।
आप लोग तब तक पीपीटी वगैरह देखो, इसी से रिवाइज करने की कोशिश करो, जब अपलोड हो जाएगा तो आप अवेल कर सकते हो। लेकिन मैम ये पीपीटी अवेलेबल नहीं है, ये वाली पीपीटी अवेलेबल नहीं? नहीं, ये वाली पीपीटी की बात कर रहे हैं हम, और क्लासरूम के नोट्स भी अपडेटेड नहीं है। पीपीटी तो हो जानी चाहिए थी। रुकिए मैं चेक करती हूँ, मैं आपको इस क्लास के बाद में दिन तक आपको बताती हूँ, ग्रुप पे मैसेज करती हूँ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग से एक भी क्लास की पीपीटी अपलोड नहीं हुई। से मतलब पीपीटी यस नहीं हुए है, जो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो नहीं हुई है? यस, लाइव क्लासेस के नहीं हुआ एक भी रिकॉर्डिंग में। अच्छा, ये तो बोला किसी को नहीं दिख रहा है, मतलब किसी के भी आप पे नहीं दिख रहे हैं? मैम ओरिएंटेशन के जो फर्स्ट के थे उसके थे, बाकी कौन से भी क्लासेस के नहीं हुए। लाइव तनवीर सर के भी नहीं हुए। मुझे तो बताया गया था हो गया है, तो फिर कुछ टेक्निकल इश्यू तो नहीं है इनकी तरफ से? अच्छा, आई एम नॉट एबल टू सी इन द मेल, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तभी। ओके ओके, मैं देखती हूँ, मैं फिर से देखती हूँ। ठीक है, मैं देख के बताती हूँ, आप परेशान मत हो, मैं देखकर बताती ओके मैम, हूँ। जी ठीक है, तो फिर ये मॉड्यूल ए फिलहाल हम लोगों ने कर लिया है, मॉड्यूल बी की तरफ बढ़ते हैं। तो मॉड्यूल बी का नाम ही है कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी किस 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 का इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहा है? मतलब आप तो टाइम हो गया होगा, फिर भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड किसका रहा है, किसने थोड़ा बहुत स्कूल का या कॉलेज का इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है? तो मुझे लग रहा है नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो हो सकता है कि आप लोगों को नया लगे, बट टफ नहीं होगा, इंटरेस्टिंग है। मुझको तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन थ्री थिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अब इकोनॉमिक सेक्टर की बात करते हैं, सो देर आर द हाउस होल्ड्स, देन देर आर द फर्म्स, एंड देन देर इज द गवर्नमेंट, राइट? हाउस होल्ड क्या करती है? हाउस होल्ड्स आर द कंज्यूमर, हम कंज्यूम करते हैं। फर्म्स आर द प्रोड्यूसर्स, एंड गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट में क्या क्या गुड्स आनी है। तो इन इकोनॉमिक्स वी टॉक अबाउट द चॉइसेस दैट आर मेड बाय दीज इंडिविजुअल्स, चॉइस, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। As consumers, we want maximum satisfaction from the goods and services that we avail. As producers, we want maximum profit. ये जनरल चीज है, ये जनरल ही चीजें हैं जो हम लोग को डे टू डे पता है, बस इकोनॉमिक्स में उसको कुछ टर्म्स दे दिए हैं। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर्स को चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूसर्स को चाहिए। गवर्नमेंट का क्या काम है इंडिया में? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर इकोनॉमी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर। तो ये चॉइसेस होते हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर्स अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन नाइनटीन अगस्त की रिकॉर्डेड क्लास अपडेट नहीं हुई है, उसमें 18 वाली क्लास अगेन अपडेट हो गई है। अच्छा, क्लासेस अपडेट हो रही हैं? देखिए हार्दिक, आप कह रहे थे ना शायद ये क्लासेस अपडेट हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन। अच्छा ठीक है, 19 अगस्त की नहीं है। मैम रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है लेकिन पीपीटी वहां पे नहीं अपलोड हो रही है। तो पीपीटी अलग से नहीं? ठीक है ठीक है, मैं क्लास नोट्स एंड पीपीटी की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। ग्लोबलाइजेशन की अपडेट नहीं है, ठीक है, बोलती हूँ। ये तो कुछ मैं टेक्निक, लैपटॉप को भी सामने चालू करके मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, बोल देते हैं, ये भी बोल देते हैं ग्लोबलाइजेशन की नहीं अपडेट हुई है। ठीक है, फिलहाल अभी क्लास पे ध्यान दो, फिलहाल क्लास देख लो, जो अभी पढ़ रहे हैं वो देख लो। मैं ग्रुप पे बात करके बता दूंगी टीम से, फिर उसके बाद। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इकोनॉमिक्स में होता है। बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज अभी हम देखेंगे कि ये चॉइस या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। इकोनॉमी टर्म, इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एंड इसका क्या मतलब होता है? ओइकोस मीन्स होम एंड नेमिनिन मीन्स मैनेजमेंट। एक और चीज होती है इकोनॉमिक्स में, इट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये भी कई जगह आप पढ़ोगे। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स।
how production is done, how consumption is done, distribution is done. So that is economics. It is referred to as household management. इस तरीके से ये सारे जो भी पार्ट्स हैं इकोनॉमी के, जितने भी प्लेयर्स हैं इकोनॉमीज के, ये सोचते हैं, वर्क करते हैं. सो दैट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी. ये सारी चीजें इसको नोट करना. देन राइट, हाँ ये हम लोग ने देख लिया. फिर डेफिनेशन. कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, दीज आर द वेल नोन इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल एंड रॉबिन. सो दे हैव गिवन डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमी. एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड ही हैड गिवन द बुक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ये जो बोला जाता है ना वेल्थ ऑफ नेशंस, दिस इज द मेन बुक. द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट बुक्स है जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में दिया गया था. सो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ. तो इनकी डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन है. इनकी डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन. तो ये बताते हैं कि हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम इन द इकोनॉमी. दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये हम लोग स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी में वेल्थ किस तरीके से जनरेट की जा रही है और कंज्यूम की जा रही है. देन अनदर इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने बुक दी थी, इन्होंने डेफिनेशन दिया था, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन्स ऑर्डिनरी बिजनेस, मार्शल्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. ये इनकी बुक थी. और इनकी जो डेफिनेशन है, जो मार्शल की डेफिनेशन है, इट इज मोर ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. तो वेलफेयर डेफिनेशन वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल. वो यूटिलिटी की बात करते हैं. यूटिलिटी यूटिलिटी हाउ मच यूटिलिटी डू वी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन. कहते हैं ना कि इसकी कितनी यूटिलिटी है, इसका कितना यूटिलाइजेशन है, कितना सेटिस्फैक्शन मिल गया है. तो यूटिलिटी होता है ह्यूमन बिहेवियर, वेलफेयर से रिलेटेड इनकी डेफिनेशन होती है. एंड रॉबिन ने डेफिनेशन दी थी ऑफ स्कार्सिटी. रॉबिन ने डेफिनेशन दी थी स्कार्सिटी के बारे में, कि मतलब जो इकोनॉमिक्स है इट इज द स्टडी ऑफ मीन्स एंड द एंड. मीन्स आर द रिसोर्सेज एंड एंड्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज. तो रॉबिन्स की डेफिनेशन सबसे ज्यादा यूज की जाती है, बिकॉज इसमें बात होती है किसकी, स्कार्सिटी की. रिसोर्सेज जिसकी हम बात कर रहे हैं ये होते हैं स्कार्स, दैट इज दे आर लिमिटेड. रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इकोनॉमिक्स की स्टडी ही खत्म हो जाएगी. बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिकॉज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन स्मॉल नंबर, दैट इज वाई वी नीड टू मेक अ चॉइस एज टू वॉट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, विच डिमांड्स हैव टू बी सेटिस्फाइड, विच हैव टू बी फोरगॉन. सो चॉइसेज अकर बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. सेकेंड, एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया, देन अनलिमिटेड वॉन्ट्स. ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स. हम लोग की एक वॉन्ट पूरी होती है तो हम लोग को दूसरी वॉन्ट चाहिए होती है. अगर हम लोगों को फोन दिया गया देन वी वॉन्ट बेटर फोन. एंड्रॉयड नहीं चाहिए, हम लोगों को आईफोन्स चाहिए है ना. आईफोन्स के बाद भी हम लोग को टैबलेट्स चाहिए हैं. तो टेक्नोलॉजी में ही अनलिमिटेड वॉन्ट्स. वन वॉन्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वॉन्ट लीड्स टू अनदर. जैसे सेकंड, मैं 2 मिनट दीजिए प्लीज. राइट, सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन वॉन्ट्स कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो सकते. देन रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज. वन रिसोर्स कैन बी यूज इन मोर देन वन फॉर्म. लाइक वी कैन टॉक अबाउट मिल्क. सो मिल्क कैन बी यूज फॉर मेनी फॉर्म्स. सुबह सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, मिल्क का और क्या बन सकता है, पनीर बन सकता है. सो मिल्क हैव ऑल्टरनेट यूजेज. सो वी नीड टू चूज. अगर आपके पास घर में केवल 1 लीटर मिल्क है, अभी 1 लीटर दूध है, तो आप उसको चॉइस करोगे ना कि आप चाय ही कर लो या फिर आप पनीर ही बना लो या फिर आप रख लो कि शाम को पी लेंगे. तो यू नीड टू मेक अ चॉइस बिकॉज दीज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस.
मैम प्लीज टर्न द प्रीवियस स्लाइड फर्स्ट है, प्रीवियस स्लाइड ये दीजिए। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज के नेचर, पहले तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, उनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है। अब ये जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ ना, इसको इसको बस समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि याद नहीं हो रहा। इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया है बटर, और यहाँ पे ले लिया है गन्स। दोनों बहुत ऑपोजिट चीज है, इकोनॉमिक्स जो करते हैं वो ऑपोजिट चीजें ही लेने पड़ते हैं। या तो हम लोग बटर बना सकते हैं, या तो हम लोग गन्स बना सकते हैं। फिर वो लोग ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से एक ग्राफ। इस ग्राफ को बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आपकी बुक में नहीं दिया, बट ये देना चाहिए था, ये टॉपिक को कंप्लीट करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये क्या बताता है कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। मान लीजिए रिसोर्सेज की बात हो रही है लेबर की, लेबर यानी कि हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर द एम्प्लॉयज। तो लेबर या तो गन्स प्रोड्यूस करेगा या फिर बटर प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए पहले इतना प्रोडक्शन हो रहा है, X1 बटर का प्रोड्यूस हो रहा है, Y1 गन्स का प्रोड्यूस हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बटर को प्रोड्यूस करो ज्यादा, तो लेबर कहाँ चले जाएगा, जो गन्स में था वो लेबर बटर में आ जाएगा। तो फिर बटर का प्रोडक्शन अगर बढ़ के X2 हो गया, तो देखिए गन्स का प्रोडक्शन कम होके Y2 हो गया, है ना। तो मतलब एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड के प्रोडक्शन को मुझे कम करना पड़ रहा है। ये हो जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यही होता है। स्कार्स रिसोर्सेज हैं, ऑल्टरनेट यूजेज हैं, तो हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे चीजें, कुछ चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से हम लोग को चॉइस लेनी पड़ती है कि मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं प्रोड्यूस करना है। राइट, क्लियर है ये वाला टॉपिक? क्लियर है, ठीक यस मैम। है। फिर इसके बाद हम लोग के पास इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया जाता है दो स्टडीज में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात होती है, इंडिविजुअल लेवल की बात होती है। इंडिविजुअल लेवल लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिमांड, तो डिमांड ऑफ 1% ये माइक्रो लेवल होता है। मैक्रो टॉक्स अबाउट नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पे चीजें हो रही है, लाइक डिमांड ऑफ ऑल द इंडियन, डिमांड ऑफ ऑल द इंडियंस। तो ये हो जाएगा मैक्रो। माइक्रो इज एनी थिंग स्मॉल, माइक्रो स्टडी करते ना हम लोग माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। हम लोग जब नेशनल लेवल पे या फिर एग्रीगेटिव लेवल पे बात कर रहे हैं, सो दैट इज मैक्रो। तो माइक्रो पे वी आर स्टडिंग द इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, किस तरीके से उनका ह्यूमन बिहेवियर डिफाइन होता है। एंड एट द मैक्रो लेवल वी आर स्टडिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी, ऑल द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, ऑल द फर्म्स व्हेन टेकन टुगेदर आर स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरी इनकम की, इनकम ऑफ वन इंडिविजुअल, दैट विल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर अगर मैं बात कर रही हूँ कि सारे ट्यूटर्स की क्या इनकम है, तो दैट वुड कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सारे बैंक ने कितना पैसा जनरेट किया, दैट वुड कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक इंडिविजुअल माइक्रो, सारे इंडिविजुअल सब लोग साथ में जब आ जाते हैं तो दैट कम्स अंडर मैक्रो। सो इट डील्स विद, माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, मैक्रो डील्स विद एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप लोग को ना स्टडीज दे दी जाएंगी कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट विच इज नॉट करेक्ट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर वॉट इज द टूल्स, वॉट आर द टूल्स दैट आर यूज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो टूल्स कौन से यूज हो रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ये हम लोग का चैप्टर भी है, डिमांड एंड सप्लाई हमको पढ़ना भी है। एंड मैक्रो के अंदर आता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि अगर चार इंडिविजुअल्स हैं इकोनॉमी में, तो अगर हम लोग केवल एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं वो माइक्रो में आएगा, और अगर इन चारों इंडिविजुअल्स को साथ में ले ले रहे हैं तो वो मैक्रो में आएगा। तो एग्रीगेट डिमांड यानी कि मैंने सबको प्लस कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई।
दोनों ही अज्यूम करते हैं, जब हम लोग माइक्रो स्टडी कर रहे हैं वी विल बी अज्यूमिंग दैट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कॉन्स्टेंट, एंड व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स वी विल अज्यूम माइक्रो वेरिएबल्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये भी इसका अजम्पशन होता है कि माइक्रो के टाइम पे मैक्रो वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट हो जाएंगे. तो इसके अंदर जो चीजें हैं जो हम स्टडी करते हैं, हाउ द प्रोडक्ट प्राइसेस आर डिसाइडेड, फैक्टर प्राइसेस हम लोगों ने पढ़ा था ना, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. तो हाउ मच इनकम विड बी गिवन टू देम दैट इज डिसाइडेड, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो हम लोग एक इंडिविजुअल या फैक्टर इनकम की बात नहीं करते, हम लोग किसकी बात करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, एक इंसान कंजम्पशन की नहीं, एग्रीगेट कंजम्पशन की, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो लार्ज लेवल पर जो चीजें पढ़ी जाती हैं वो मैक्रो में आती हैं नेशनल लेवल पे, और जो चीजें स्मॉल लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ी जाती हैं दैट कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक. आफ्टर दैट क्या क्या चीजें कवर करता है, माइक्रो कवर्स डिमांड सप्लाई प्रोडक्ट प्राइसिंग इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोडक्शन, मैक्रो कवर्स एम्प्लॉयमेंट नेशनल इनकम जनरल प्राइस लेवल नेशनल वेल्थ देन इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें मैक्रो की स्टडी में आती. जीडीपी पढ़ लिया हम लोगों ने, ये सारी चीजें मैक्रो में आती. इम्पोर्टेंस क्या होती है, इम्पोर्टेंस हमको इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है माइक्रो, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट अलोंग विद द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये माइक्रो होता है. लेकिन मैक्रो का स्कोप ज्यादा है, अगर पूछा जाता है स्कोप ऑफ विच इज मोर माइक्रो और मैक्रो, सो मैक्रो हैज अ लार्जर स्कोप, डेफिनेटली क्लियरली समझ ही आ रहा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. हम लोग जो भी पॉलिसीज बनाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो पॉलिसी फॉर्मेशन हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी, ये सब मैक्रो के अंदर आएगा. सो मैक्रो हैज अ लार्जर स्कोप, लेकिन साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. माइक्रो के लिमिटेशंस होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, ये अज्यूम करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हैं वो कॉन्स्टेंट रहेंगे. उनको लगे वो अज्यूम करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, वो सारी चीजें कॉन्स्टेंट रहती हैं. दे अज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, पॉसिबल ही नहीं है हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ये पॉसिबल है ही नहीं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट अज्यूम करते हैं. ये इसकी लिमिटेशन, मैक्रो की लिमिटेशन क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस रखता है. मैक्रो की लिमिटेशन क्या है, ये फॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन मानता है, फॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन. क्यों, क्योंकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीगेट की तो जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल्स के लिए भी सच रहे. स्टैट्स में आपने शायद एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो कि आप लोगों ने पढ़ा हो, एक फैमिली थी, फैमिली में देयर वाज अ फादर अ मदर एंड टू चिल्ड्रन, उनकी हाइट डिफर करती थी इस तरीके से, एंड देयर वाज अ रिवर फॉर देम टू क्रॉस. तो फादर ने क्या किया कि हम रिवर क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, उन्होंने रिवर की लेंथ नाप ली, मतलब कितना उसका डीप है वो नाप लिया, और चारों की हाइट का एवरेज निकाल लिया. जब चारों की हाइट का एवरेज निकाला तो वो रिवर की जो डेप्थ थी जितना डीप था उससे ज्यादा आ गया, तो उसने कहा कि हम तो सब क्रॉस कर जाएंगे. लेकिन जब उसने क्रॉस किया, फादर ने मदर ने क्रॉस कर लिया, जो बच्चे थे वो डूब गए क्योंकि उनकी हाइट एवरेज से कम थी. तो जरूरी नहीं है कि जो एग्रीगेट निकाला जा रहा है इट इज ट्रू फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स, राइट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो सारे इंडिविजुअल्स को ऐड कर लेता है और बोलता है ये सबके लिए सच है, तो वो गलत हो जाता है. इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन. अनरियलिस्टिक अजम्पशन आएगा माइक्रो में, पॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन आएगा मैक्रो. डिफरेंसेस समझ में आ गए माइक्रो और मैक्रो के बीच में, हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, है यस मैम, ना. अब इस जो मॉड्यूल है ना, इसमें एक्चुअली ये पढ़ेंगे हम लोग, इस मॉड्यूल में सारे माइक्रो और मैक्रो के चीजें पढ़े, जैसे मनी डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे वो माइक्रो में आएगा, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे वो मैक्रो में आएगा, बिजनेस साइकिल्स मैक्रो में आएगा, नेशनल इनकम मैक्रो में आएगा, यूनियन बजट मैक्रो में आएगा. तो अलग अलग चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग माइक्रो मैक्रो में नेक्स्ट टू चैप्टर से नेक्स्ट टू चैप्टर उसमें कवर भी करेंगे, तो वहां पे याद रखना है. फिर आ जाता है ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. कोई भी इकोनॉमी हो, बी इट अ डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड इकोनॉमी, इट नीड्स टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी फॉर
फॉर होम टू प्रोड्यूस. वॉट टू प्रोड्यूस होता है चॉइस ऑफ गुड्स. जो हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ किया कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ज्यादा कंजम्पशन गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कंजम्पशन गुड्स से क्या होगा, वेलफेयर होगी, या फिर ज्यादा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड्स से क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा. तो अपनी गोल के हिसाब से, और ये डिसीजन कौन लेता है, ये डिसीजन लेता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द नेशन. उसी हिसाब से वो रिसोर्सेज एलोकेट करेगी. इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट देयर इज मोर नीड फॉर कंजम्पशन गुड्स, तो दे वुड एलोकेट मोर रिसोर्सेज टुवर्ड्स द कंजम्पशन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर में करेंगे. लेकिन अगर उनको लगता है कैपिटल की ज्यादा जरूरत है तो वो इंडस्ट्रीज में रिलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को. तो ये वॉट टू प्रोड्यूस, ज्यादा कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या फिर ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं हम लोगों को कैपिटल गुड्स. अभी उसमें डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी है. अगर वेलफेयर इकोनॉमी है तो वो कंजम्पशन पर ध्यान देगी, फ्री मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वो प्रॉफिट पर ध्यान देगी. फिर हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके की हो सकती है, एक होते हैं लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव. अगेन लेबर इंटेंसिव, इंडिया लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगी. क्यों? क्योंकि वी आर डेवलपिंग नेशन, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है. तो अगर ज्यादा लेबर इंटेंसिव का है, मतलब ज्यादा लेबर यूज किया जा रहा है, सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में ज्यादा लेबर यूज किया जा रहा है. कैपिटल इंटेंसिव मीन्स ज्यादा टेक्नोलॉजी या फिर ज्यादा मशीन्स यूज की जा रहे हैं. लेबर इंटेंसिव कौन सी हो जाएगी? लेबर इंटेंसिव हो जाएगी हम लोगों की एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव कौन हो जाएगा? जितने भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, जहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है, तो वो हो जाएगी कैपिटल इंटेंसिव. जैसे कि जो हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग, ये कैपिटल इंटेंसिव है. तो ज्यादा लेबर इंटेंसिव यूज करना है या ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव यूज करना है, ये भी डिसाइड करना है. फिर से उसी पर डिपेंड करता है, वेलफेयर पर ध्यान देना है तो लेबर इंटेंसिव करेंगे, कैपिटल पे या प्रॉफिट पर ध्यान देना है तो कैपिटल इंटेंसिव करेंगे. ये हो गया हाउ टू प्रोड्यूस. इसी में एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट क्वांटिटी, व्हाट क्वांटिटी इज तो क्लियर कि मतलब कितनी क्वांटिटी में कौन से गुड को प्रोड्यूस करना है. एंड देन फाइनली वी हैव फॉर होम टू प्रोड्यूस. अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लोथ्स का प्रोडक्शन, राइट, लेकिन क्लोथ्स भी सेम क्वालिटी और सेम प्राइस पे नहीं होते हैं. कुछ कपड़े हैं, कुछ कपड़ों की ब्रांड है जो बहुत महंगी है, कुछ कपड़े हैं जो बहुत सस्ते हैं. तो ज्यादा किसके लिए प्रोड्यूस करना है, लाइक हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस, या फिर मीडियोकर क्वालिटी एंड लो प्राइस. तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिचर क्लास को ज्यादा प्रोडक्शन करके हमको फायदा देना है या फिर जो पुअर क्लास है उनके लिए. ठीक है, तो हु शुड रिसीव दीज गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. हम लोग जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिसाइड करती है गवर्नमेंट, तो वो इनको आंसर करते हुए ही करते. जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, दे हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन. एंड दीज क्वेश्चन अराइज बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटी है इस वजह से ये क्वेश्चन है. अगर स्कार्सिटी नहीं होती तो फिर नहीं होती. स्कार्सिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, राइट. जब स्कार्सिटी होती है तो उसी की वजह से फिर हम लोग आगे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे. तो ये हो गया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. इसके बाद इकोनॉमीज जो होती हैं तीन टाइप की होती है. बस ये लास्ट टॉपिक है. इकोनॉमीज जो होती हैं तीन टाइप की होती हैं. पहली होती है मार्केट और कैपिटल, दूसरी होती है सोशलिस्ट और कमांड, तीसरी इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी को ही फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं. यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस हैं वो डिसाइड करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस. एंड इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम विच प्राइवेट एक्टर्स ओन एंड कंट्रोल द प्रॉपर्टी. यहाँ पे जो रिसोर्स का ओनरशिप है, इट स्टेज विद द प्राइवेट सेक्टर. एंड दिस इकोनॉमी फोकसेस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फोकसेस ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और दे बिलीव दैट द फ्रीली मूविंग डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी. लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का गोल यहाँ पे नहीं है, कैपिटलिज्म का रोल है. नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट. एक चीज बोली जाती है, इसको कहते हैं लजाज फेयर. लजाज
लेजर स्फीयर मतलब नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अपने आप काम करेगी इकोनॉमी, अपनी मर्जी से काम करेगी, और जो भी प्राइस डिसाइड होगा या जो भी आउटपुट डिसाइड होगा वो ऑप्टिमम होगा। ये होता है मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या क्या फीचर्स हो गए? फ्री इकोनॉमी है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है, प्रॉफिट मोटिव होता है, एंड नो गवर्नमेंट कंट्रोल। ये है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी अगर ये क्वेश्चन आंसर करेगी तो वॉट टू प्रोड्यूस में प्रॉफिट गुड करेगी, हाउ टू प्रोड्यूस में कैपिटल इंटेंसिव, फॉर होम टू प्रोड्यूस जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो हायर इनकम क्लास है उसके लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया। सेकेंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी, कमांड एंड कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट सारी रिसोर्सेस को ओन करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या गुड्स बनाए जाने हैं, किसके लिए बनाए जाने हैं, कौन बनाएगा, हु विल बाय इट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर द गवर्नमेंट डिसीजंस। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। उसी के साथ साथ ये लोग क्या मानते हैं कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करके देगी कि उनके लिए मार्केट में क्या जा रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल्स द इकोनॉमिक डिसीजंस। तो अगर यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, वॉट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा? वेलफेयर गुड्स आएंगे, कंजम्पशन गुड्स आएंगे, वेलफेयर मोटिव से काम कर रही है यहाँ पे, वेलफेयर मोटिव, इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर वैसे तो इक्वली प्रोड्यूस करेगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेलफेयर ऑफ द होल नेशन, बट ज्यादा जो पुअर क्लास है उसके लिए प्रोड्यूस होगा। ये हो जाता है सोशलिस्ट या फिर कमांड इकोनॉमी में। एंड देन कम्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज, दैट इज द ऑप्टिमम, विच इज मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम टू यूज द कैपिटल, बट गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरफेयर, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर भी करती है, फ्रीली फ्लूट करने देती है डिमांड एंड सप्लाई को। जैसे कि इंडिया, इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, हम लोगों ने अभी देखा था ना टमाटर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, या फिर पिछले साल प्याज के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। वो किस वजह से बढ़े थे? क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस थी वो काम कर रही थी, और उससे क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए। फिर गवर्नमेंट के पास क्या होता है, बफर होता है, गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक होता है। तो वो पीडीएस सिस्टम के थ्रू, सब्सिडाइजेशन के थ्रू, वो अपना जो उसने बफर करके रखा होता है वो मार्केट में सामान ले आती है, जिसकी वजह से प्राइसेस कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट का यहाँ पे मिक्सचर होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी काम कर रहा है। अब मुझे एक एक एग्जाम्पल बताओ सारे नेशंस का, मार्केट इकोनॉमी में कौन कौन से नेशंस आते हैं, एक दो नेशंस बताओ। मार्केट इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ, सही। और सोशलिस्ट रशिया, ठीक है, मतलब ये चीज समझ में आ रहा है ना कि इकोनॉमिकली फ्री नेशंस में कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें तो ये नहीं पूछेंगे वैसे, फिर भी पता है ना, समझ में आ गया कि कैसे, तो उनके इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, बस इतना ही। ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था मॉड्यूल बी का। टफ नहीं लगा ना? इंटरेस्टिंग है? आप लोग भी बताओ, सब लोग चैट पे ही बता दो। यस मैम, इंटरेस्टिंग है। और लोग भी बताओ। मतलब इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब लोग हाँ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करें फिर। यस मैम, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस फेस्ड बाय इंडियन फार्म? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस फेस्ड बाय इंडियन फार्म? डी डी डी, सब लोग डी कह रहे हैं। वेरी गुड, लो एंड अनस्टेबल फार्म इनकम। यस, लो एंड अनस्टेबल फार्म इनकम्स, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस फेस करते हैं इंडियन फार्मर्स। लैक ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज तो नहीं है, सब्सिडीज तो काफी सारी हैं। इंटरनेशनल डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको उतना नहीं फर्क पड़ेगा, उनको तो पता भी नहीं कितना एक्सपोर्ट हो रहा है।
एंड देन फ्लक्चुएशंस इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में लो एंड अनस्टेबल फार्म इनकम, इसीलिए फार्मर्स इनकम बिल और ये सारी चीजें, एग्रीकल्चरल बिल के पीछे इतना सारा बवाल हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन इंडिया? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इंडिया बहुत ज्यादा फेस कर रहा है आज के टाइम पे, काफी समय से, लास्ट डिकेड से ही फेस कर रहा है। तो ट्विन बैलेंस शीट में क्या आता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इन द बैंकिंग सेक्टर, हाई जीडीपी ग्रोथ, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेट लेडन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बताइए। बी बी टू एंड फाइव, और लोग ट्राई करो। हिंट हिंट दे, आप लोग की जॉब से बैंकिंग से रिलेटेड है। बैलेंस शीट किसमें बनाई जाती है? सी यस, अब आया, वेरी गुड, सी है 1 in 4। हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द बैंकिंग सेक्टर, डेट लेडन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, 1 and 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर भी और बैंक भी, बैंक और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों ही फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, हाई एनपीएस एंड डेट लेडन कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है? तो 1 and 4 इसका आंसर है, 1 and 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वॉट इज रिलेटिव डेप्रिवेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी? रिलेटिव रिलेटिव डेप्रिवेशन, सिचुएशन वेयर एवरी वन हैज द सेम लेवल ऑफ इनकम, अ सेंस ऑफ परसीव्ड अनफेयरनेस एंड इनइक्वालिटी इवन व्हेन एब्सोल्यूट लिविंग स्टैंडर्ड्स आर इम्प्रूविंग, अ मेजरमेंट ऑफ टोटल वेल्थ इन दिस सोसाइटी, और अ गवर्नमेंट पॉलिसी टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम इक्वली। बताओ, रिलेटिव डेप्रिवेशन, और लोग 4 5 लोग आंसर करें, वैसे तो कम ही लोग हैं, बट सब लोग ट्राई करो, जितने लोग हैं एटलीस्ट। रिलेटिव का मतलब हम लोग कुछ ना कुछ कंपेयर कर रहे हैं, वी आर रिलेटिंग इट, तो रिलेशन किस में आएगा? परसीव्ड अनफेयर, अ सेंस ऑफ परसीव्ड अनफेयरनेस। आप जैसे मैंने कहा था ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी भले ही कम हो रही है, मतलब एब्सोल्यूट लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं, फिर भी परसीव्ड अनफेयर, जो रूरल एरिया के लोग हैं तो उनको लगेगा कि हम लोगों को जो फैसिलिटीज दी जा रही है दे आर नॉट एज पार विद द अर्बन एरिया, हम लोग को उतनी फैसिलिटी नहीं मिल जा रही है, हम लोग को ठीक ठाक लेवल की लो क्वालिटी की फैसिलिटी दी जा रही है। तो उन्होंने खुद से सोचा परसीव अनफेयरनेस एंड इनइक्वालिटी, तो ये हो जाता है रिलेटिव डिप्रिवेशन, कंपेयर इट, वी आर कंपेयरिंग इट विद आर काउंटर पार्ट। हम लोग अपने नेबर से कंपेयर करते हैं ना कि यार उनके पास ज्यादा अच्छी गाड़ी है, हमारे पास कम अच्छी गाड़ी है, उन्होंने घरों में पेंट करा लिया, महंगा पेंट करा लिया, तो हम परसीव कर रहे हैं कि अच्छा हमारे पास अनइक्वल इनइक्वालिटी, हम अनइक्वल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इनकम इनइक्वालिटी? एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल सेफ्टी नेट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसमें से कौन सा इनकम इनइक्वालिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करता है? बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा, और बी, सब लोग बी बोल रहे हैं। क्यों, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? इनकम इनइक्वालिटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इक्वल पे स्ट्रक्चर मिलता है वुमेन एंड मेन, मेल्स एंड फीमेल्स को, जो हम लोग पे नहीं स्केल की बात करें, नहीं मिलता ना? नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अ फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इनकम इनइक्वालिटी। सोशल सेफ्टी नेट्स, हाँ, किसी ने सी नहीं बोला, किसी ने भी सी नहीं बोला। सोशल सेफ्टी नेट्स होते क्या है? सोशल सेफ्टी नेट सब्सिडीज होती, सब्सिडीज, सब्सिडीज तो गवर्नमेंट अनइक्वल नहीं दे रही है ना, सब्सिडीज तो मिल रही है सबको। तो क्वालिटी हेल्थ केयर में भी इनकम इनइक्वालिटी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी इनकम इनइक्वालिटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी इनकम इनइक्वालिटी है। अर्बन एरिया में बेटर है, रूरल में कम है,
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने देख ही लिया, पे स्केल में डिफरेंस है, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर इसी तरीके से देख लो, रूरल अर्बन, अर्बन में बेटर हेल्थ केयर है, रूरल में अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, लेकिन सोशल सेफ्टी नेट सबको कवर करता है, पूरी पॉपुलेशन को, इन पेपर टर्म्स बोल सकते हैं तो नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इनकम इनइक्वालिटी आर द सोशल सेफ्टी नेट, सब्सिडीज की वजह से इनकम इनइक्वालिटी नहीं हो रही है ना, सब्सिडीज की वजह से इनकम इनइक्वालिटी नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि सब्सिडीज अमीर लोगों को मिल जा रही, तो ये इसका आंसर है सोशल सेफ्टी नेट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एवरी सोसाइटी फेसेस, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मिनिमाइजिंग कॉस्ट, अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मैनेजिंग इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड बैलेंस ऑफ पे, फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ए ए, और लोग बताओ। और किसी को कुछ, ए, सब लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है ए सही है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, यस वेरी गुड, 5 5। नेक्स्ट, व्हेन डज एन इकोनॉमी सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली, रिसोर्सेज एफिशिएंटली कब प्रोड्यूस होंगे, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट रिसोर्सिंग दीज वेस्टेज, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज हाई, व्हेन द रिसोर्सेज एम्प्लॉयड आर द बेस्ट, और व्हेन द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड फॉर हाईली वैल्यूड गुड्स। 6, क्वेश्चन नंबर 6, ए और ठीक है, यस ए सबका सही है, ए इज द राइट आंसर, व्हेन रिसोर्सेज आर, व्हेन द सर्विसेज आर प्रोड्यूस विदाउट रिसोर्सेज बीइंग वेस्टेड। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लो, एक और कॉन्सेप्ट, ये हम लोग का जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने पढ़ा था ना, पीपीसी हमने डिस्कस किया था, पीपीसी, तो अगर पीपीसी के ऊपर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे ये वाले जो पॉइंट्स हैं, पीपीसी के ऊपर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको कहते हैं एफिशिएंट प्रोडक्शन, ये सारे पॉइंट्स होते हैं एफिशिएंट, यहाँ पे रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है रिसोर्सेस का, एफिशिएंट प्रोडक्शन, ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी पीपीसी शोज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ये क्या होगा, ये होगा अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जैसे कि हम लोग ने इंडिया में अभी भी कंप्लीटली सारे माइनिंग नहीं किए, सारे मिनरल्स को हम लोग अब तक नहीं ढूंढ पाए, तो दिस इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे, कुछ वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का, एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके बाहर, तो ये हमारे लिए अचीवेबल ही नहीं, दिस इज अनअचीवेबल, अनअचीवेबल या फिर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पानी की कमी है, क्यों है, क्योंकि हम लोग ने बहुत ज्यादा पानी को यूज कर दिया, पानी कमी होनी नहीं चाहिए, या फिर लैंड की कमी है, हमने एग्रीकल्चर लैंड को बहुत ज्यादा यूज कर लिया, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो, तो ये आ जाते हैं, ये इनएफिशिएंट होते हैं, एनी पॉइंट आउटसाइड, मान लो उसको हम लोग ने सी बोल दिया, एनी पॉइंट इनसाइड तो ये बी हो गया, एंड एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी, तो ऑन द पीपीसी एफिशिएंट, इनसाइड अंडर यूटिलाइजेशन, आउटसाइड ओवर यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो ये होता है व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट रिसोर्सेज बीइंग वेस्टेड। मैंने नेक्स्ट, पीपीसी पीपीसी तो पे कौन सा भी पॉइंट हुआ, कर्व का कौन सा भी पॉइंट, राइट, एनी वन पॉइंट, या फिर ए पॉइंट आपने जो मार्क किया वही, कोई भी, कोई भी, अगर ये वाला मान लीजिए ई हो गया, एफ हो गया, कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट था एफिशिएंट पॉइंट, हाँ पीपीसी के ऊपर ओके। कोई भी पॉइंट, जहां भी प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज एफिशिएंट, ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ट्रू, इज और आर ट्रू, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन से सही, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल, मार्केट फोर्सेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डिटरमाइन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, बताइए,
केविन का भी, ठीक है। और सबसे पहले फटाक से आंसर आया बी। हाँ हाँ सही है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल्स, सही है। मार्केट फोर्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, नहीं केवल डिमांड एंड सप्लाई, डिटरमाइन एंड इक्विलिब्रियम, तो ये गलत हो गया। कंज्यूमर्स गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, नहीं कंज्यूमर्स गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर्स गेन। अब जो उन्होंने पॉइंट्स पढ़े हैं ना, इनको याद भी रखना, ये नहीं कि आप लोग 2 4 दिन बाद कंफ्यूज हो जा रहे हो, ये सारी चीजें याद भी रखनी है। तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी ओनली वन, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर कंट्रोल्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय, कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डिसीजंस सोशल वेलफेयर से होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से होते हैं, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। सी, बोथ ए एंड बी, ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ सही आंसर अभी आया। ए, कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, सोशल वेलफेयर। कंट्रोल इकोनॉमी मतलब कि स्टेट या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसमें होगा, फ्री इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी में। बोथ ए एंड बी होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी हम लोग की सोशल इकोनॉमी है। तो यहाँ पे ये क्या है, सोशल वेलफेयर, ए। हाँ ए का सही है, 8 का ए, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमी, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉनिटरी पॉलिसी, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल प्राइस लेवल। बहुत ईजी है, अभी पढ़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी नहीं करते हैं। दिव्या सी, यस सी, स्वाति सी, पर हाँ बढ़िया। फैक्टर प्राइसिंग इज द राइट आंसर, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, जनरल प्राइस लेवल, तीनों मैक्रो के अंदर आता है, फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो के अंदर आता है। 9 पर सी, यस वेरी गुड, ठीक है। ओके इतने ही क्वेश्चंस हैं, दैट्स ऑल। अब बताइए कोई क्वेश्चंस आपकी तरफ से, कोई क्वेरी। मैंने वो नोट कर लिया है ग्लोबलाइजेशन वाला भी, कि वो उसका चैप्टर अपलोड नहीं किया गया है। दूसरा ये भी कि पीपीटीज नहीं अपलोड की गई है नोट्स के लिए, दोनों चीजों में क्लियर कर। ईबुक्स वो अपडेटेड नहीं है। ई बुक्स तो आईबीए की तरफ से ही होंगी, तो कोई बात नहीं, उसको नोट्स अपडेट करवा देते हैं, नोट्स का बोल देते हैं। पीपीटी अगर चल, पीपीटी अगर आ जाएगी तो वो भी चलेगा ना, पीपीटी यस हो मैम, जाएगी तो ठीक है, पीपीटी बोल देती हूँ, आज ही बोल देती हूँ फिर से। या फिर मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दी। व्हाट्सएप पे पीपीटी शेयर कर दूँ, ठीक है, ये भी कर सकते तो हैं। बैकएंड से कोई टेक्निकल इश्यू रहेगा तब तक के लिए तो हम लोग का रिवीजन हो सकता है ना उस प्रोसेस। ठीक है ठीक है, आज की मैं शेयर कर दूँ। हाँ जी, और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आज के चैप्टर्स से, आज के थ्योरी से। अच्छा मैम लास्ट क्लासेस के भी आप कर दोगे क्या? ठीक है, मैं लास्ट क्लासेस के लिए मांग के कर दूँ। मैं दिन तक करती हूँ, मैं थोड़ा 12 बजे तक करती हूँ, एक बार ऑफिस खुल जाए उन लोग से मांग के फिर आपको कर देती हूँ व्हाट्सएप। ठीक है मैम, करवा दीजिएगा सारे पीपीटीज। हाँ जी ठीक है, फिर क्लास यहीं पे रोकते हैं। अच्छा, इसके मॉड्यूल बी को जब हम लोग कम्प्लीट कर लेना, उसके बाद वी मूव ऑन टू आरबीडब्ल्यू, डिटेल बैंकिंग वाले पेपर को भी स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका मॉड्यूल बी के लिए, ओके मैम। ठीक है। चलिए फिर, वी एंड द क्लास टुडे, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक बाय बाय, थैंक यू मैम। यू। बाय 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 बाय।